नामी हिचकारी भगवान प्रसार करी वायना प्रसार करासो जी। नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमायायाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं एषु पञ्च नमकारो सर्वभावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेशिं परमं भवै मङ्गलम् जय हे जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया महोभव जय सुयाण बभव तीर्थयराणमपच्छिभो जय गुरुलोकाण जय महप्पा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वभावनं शंखेश्वर पुरोत्तम सं पार्श्वनाथं नमाम्यं सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञान तिमिरांधानं ज्ञानांजन शलाकय नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद है। जी हाँ, आज 2 दिसंबर के दिन शनिवार को हमारी दूसरी क्लास इस समय महामंत्र नवकार की साधना की है। नवकार अपने आप में एक ऐसा महामंत्र है कि जो व्यक्ति के साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। दूसरा और कोई मंत्र हो या ना हो, कोई चले या ना चले, लेकिन ये पर्टिकुलरली जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलेगा, सतत चलेगा। ये बात भी इतनी ही सही है। अब ऐसी स्थिति के अंदर जो ये महामंत्र नवकार हमें, हम साधक हैं, हम साधना करना चाहते हैं, करें। सिर्फ उद्देश्य बनाइए सब पाप प्रणाशनम, सब पाप कर्मों के नाश करने का उद्देश्य बनाए। इतने भारी पाप कर्म, इतने ज्यादा कर्म जन्मों जन्म से बनते हुए भव भव से लगे हुए हैं, वो आज कर्म कैसे क्षय होंगे, वो किस तरह से क्षय होने वाले हैं, कैसे होंगे? आज इन कर्मों का क्षय करने के लिए हमें पुरुषार्थ क्या करना है, कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए? बहुत बहुत अनेक अनेक तरीकों से पुरुषार्थ होता है, ऐसे ही नहीं होता है। ऐसा भगीरथ पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा प्रबल पुरुषार्थ है, क्योंकि संसार के अंदर सर्वथा सर्व पाप कर्मों का नाश करने का भाव परिणाम बनता ही नहीं है, और सम्यक दृष्टि हो तो ही बना सकेगा। मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए सब पाप प्रणाशनों का उद्देश्य नहीं है, सिर्फ सब दुख प्रणाशनों का उद्देश्य है। वो सिर्फ दुख नाश ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी वृत्ति दुख तक सीमित है, उनका लक्ष्य जो है वो दुख तक सीमित रहता है। सम्यक दृष्टि दुख की चिंता नहीं करता है, वो सब पाप प्रणाशनों का विचार करता है। दुख दुख क्या करते हो, मैं दुख को तो गिनती नहीं करता हूँ, दुख की कोई चिंता ही नहीं करता हूँ, मैं तो सब पाप कर्म का नाश करने का भाव रखता हूँ। ये भी एक सिम्टम है, लक्ष्य रखिए, आप ध्यान में रखिए। यदि आपके अंतर में सब पाप कर्म का नाश करने का भाव बनता है, आता है, तो ये संभावना है, नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये लक्ष्य हमें रखना है ना, इस लक्ष्य से हमें चलना है।
अब ऐसे भाव परिणाम बरोबर अगर हमारे बन जाते हैं तो बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात। लेकिन अधिकांश लोगों के नहीं बन पाते, बहुत कम बन गए। अब इसमें भी आप देखिए कि एक साथ में चलो ये शब्द तो लगा दिया साथ, इधर देखिए ये शब्द जो लगाया है वो पाप, तो ये क्या अर्थ हुआ पाप। अब इसके साथ क्रिया जोड़ दी है पणासनो, अब इसका अर्थ क्या है प्रकृष्ट नाश। मुझे पाप कर्म का नाश करना ही करना है, और वो भी तरीका प्रकृष्ट नाश करना है। अब संख्यावाची शब्द आगे जोड़ दिया है सब, अब ये जो जोड़ा है कि सब पाप कर्म। अब आप सोचो एक दो पाप कर्म का नाश करना है दूसरे का नहीं करना है, ये एक दो पाप कर्म का नाश करना है दूसरा नहीं करना है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं करो आप। यहां सम्यक दर्शन काम आता है, पाप तो पाप ही है, सब पाप पाप। एक पाप रखू एक पाप छोड़ू, एक पाप रखू एक पाप छोड़ू, ऐसा तो मुझे नहीं करना है। सब यहां पर कौन से सब शब्द से कौन से लिए हैं ये आपको बोलना है, बरोबर ध्यान बोलिए मीना बेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सर्व ऑल। अब एक तरफ से आप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा 18 पाप की समस्त जातियां, फिर किए हुए सर्व प्रकार के सब काल के पाप, सर्व क्षेत्र के अब आप सर्व क्षेत्र के हो गए, सर्व प्रकार के सर्व भाव के अब सर्व प्रकार आप गिनिए, तो आप ये कहेंगे हाँ सब मन से वचन से काया से विचार वाणी और वर्तन। अब इस तरह से जो भी कोई है अब सर्व का इतना ख्याल आ जाएगा आपको, भाई भूतकाल में भी मैंने किए थे, वर्तमान काल में भी किए हैं, भविष्य काल में भी करता ही रहूंगा। जब तक आप व्रत में नहीं आए हो वहां तक आप भविष्य काल के भी पाप करते रहो, दोनों तरफ से बात बनेगी, ध्यान रखिए आप। अब ऐसी स्थिति में पाप तो होते ही रहेंगे, ये तो होने ही, लेकिन अब मैं पाप को पहचान चुका हूं इसीलिए नाश करने की मेरी तैयारी, मैं पाप को स्वीकार कर चुका हूं, ये पाप है ये मैं समझ चुका हूं, लेकिन आई हैव कन्फेस माई सेल्फ फर्स्ट, हाँ जी मैंने इन पाप को स्वीकार लिया है, अब बताइए मैं इनका नाश कैसे करूं, प्रकृष्ट नाश जो बताया है वो कैसे करना। तो ये पाप नाशक बुद्धि, क्योंकि सम्यक दृष्टि का लक्षण क्या है पाप भीरु है, सम्यक दृष्टि आत्मा पहला लक्षण पाप भीरु है भव भीरु है, एक भी पाप करूंगा कर्म बढ़ेंगे भव बढ़ेंगे संसार के चक्कर में भटकता रहूंगा, ये मेरी स्थिति होनी ही होनी है। आगे बात ध्यान में बोलिए आशा बहन जी। जी, आपने बताया कि सम्यक दृष्टि जीव पाप भीरु है और भाव भाव भव भीरु है, क्योंकि वो अपने पाप को रोकना चाहता है और भव भ्रमण को भी रोकना चाहता है। हाँ जी, अब ये क्या है कि एक दीर्घ दृष्टि कहते हैं ना जिसको, द लॉन्ग टाइम साइड विजन जो है,
एक ऐसा विजन है उसके पास, आज पाप करूंगा, पाप अल्पकालीन है, थोड़ी देर के लिए है, छोटा सा पाप है, कालांतर में चलते वही जो है कर्म बनेगा, कर्म आत्मा के साथ चलेगा, कर्म कई जन्मों तक चलेगा, तब मैं क्या करूंगा, ये मुझे वहां पर सोचना है ना। पहली आवश्यकता इस बात की है कि मैं समझ पाया कि नहीं। अब पाप समझे तो पाप किसको लग रहा है, और पाप से जो कर्म बन रहा है वो किसको है, तो ये जब उसके लक्ष्य में आ गया तो भाई ये मेरी आत्मा है, अब आत्मा पर ही जो है मुझे ये पाप करने से कर्म का बंध होगा, अब ये पाप करने से ऐसे 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 ये जो है ये कर्म बन गया। तो पहले इसका लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा है, इसलिए हमने लक्ष्य लिया कि चलो अब नवकार मंत्र का ही आलंबन क्यों लिया आपने, क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों नवकार मंत्र जप कर रहे हो, क्यों इससे आपके सब पाप कर्मों का नाश हो जाएगा, ये आपका कॉन्फिडेंस है, एसो पंच नमुक्कारो सब पाप पनासनो, मैं इन पांच परमेष्टियों को नमस्कार करूंगा, क्या मेरे सब कर्मों का नाश, पाप कर्मों का नाश हो जाएगा, तो भूतकाल में अनंत के हो गए हैं, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस सम्यक दर्शन की श्रद्धा इस पर बढ़ी है। दूसरा, इसके सिवाय और कोई नहीं है, अरियन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु को छोड़ दो तो दुनिया में कौन है कि जिनके सब पाप कर्म का नाश हो चुका हो, मैं ऐसे परमेश्वरों को नमस्कार करता हूँ, ये मुझे ध्यान में रखना है। आ रही बात ख्याल में, आप देख लीजिए। अब हम देख रहे हैं कि इसमें किस तरह से कैसे हमको करना है, तो नवकार की साधना ही है, लक्ष्य तो वही है, लेकिन अब हम करें तो हाँ जी, थोड़ा सा आपको ध्यान होगा लास्ट टाइम में हमने जिस तरह से किया था, अब आज हमको जो चलना है, नंबर एक से यहाँ पहले पद से आप चले, फिर यहाँ से पहले पद से चलते दूसरे पद पर आए, तीसरे पद पर आए, फिर आप यहाँ चौथे पद पर आए, पांचवें पद पर आए, यहां से आपको वापिस रिवर्स चलना, फिर रिवर्स चलना है, तो ये नौवा पद है ही है, फिर यहाँ से आप चलिए, फिर ये आठवां पद आएगा, फिर ये यहाँ पर सातवां पद आएगा, अब आप यहाँ पर आ गए, यहाँ से फिर रिवर्स हो जाएगा, फिर ये एक नंबर चलेगा, यहां से रिवर्स होके अब आप वापस नौवें पद पर आएंगे, एक के बाद फिर वापिस आपको चलना है,
देखिए मीना बहन जी, दिस इज द अनदर चार्ट यू सी, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट टाइम चार्ट। आ रहा है आपको ख्याल में? देखिए ध्यान से। यस इट्स टू दैट्स चेंज द डिरेक्शन, फर्स्ट वन यू विल गो स्ट्रेट फ्रॉम 1 to 9, एंड देन व्हेन यू फिनिश द फर्स्ट वन देन द सेकंड यू विल स्टार्ट फ्रॉम द 9 8 7 6 5 3। इट विल बी अब, बट यू मस्ट डू इन दिस डिरेक्शन ओनली। तो ये चित्र है, चित्र आपको दृष्टि के समक्ष रखना होगा और बिल्कुल सामयिक लेकर शांति से बैठ जाए। जैसे आप सामयिक के अंदर स्थिर हो गए, समझे कि नहीं, बैठ करके, अब उसके बाद में हाथ जोड़ करके नमस्कार मुद्रा में बैठिए। आसन आपका जो भी बनाना है, जिस प्रकार का आसन हो स्थिर रखिए। अब आसन स्थिर रख करके दृष्टि सिर्फ आपको एक चित्र के ऊपर स्थिर कर दे, पूरी दृष्टि स्थिर पर हो जाएगी। अब जीभ हिलाएंगे नहीं, होठ हिलाएंगे नहीं, दांत हिलाएंगे नहीं, बरोबर चित्र के सामने देखते हुए दृष्टि हिलेगी आपके, दांत नहीं हिलेंगे। अब बरोबर आप गिनती जाएंगे, नवकार मंत्र बोलते जाएं। अब वो मन में बोलना है कि प्रोनंसिएशन बिल्कुल ना हो, कोई प्रोनंसिएशन ना हो, बिल्कुल मन में आप शांति से करते जाएंगे। तो स्लोली स्लोली, धीरे धीरे धीरे, जैसा भी आपका हो, तो आप करते 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 जाएंगे। यही है कि एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ऐसे चलेगा। फिर दूसरे और डायरेक्शन आएंगे, उसके अंदर और चेंज हम कर सकेंगे, वो भी होगा, तो वैसा भी बनेगा। सोचिए आप, अब इसके अंदर आपको अलग अलग तरीके आ जाएंगे, अलग अलग तरीके आ जाएंगे। अब ऐसे तरीके के अंदर आपको ये देखना है कि कैसे हम करें। तो ये जब स्पष्टता आपको आ जाए, समझे कि नहीं, फुल्ली, अब आप विचार करिए कि मैं करते करते समय इधर उधर देखेंगे नहीं, दृष्टि इधर भी नहीं जाएगी, उधर भी नहीं जाएगी, बस दृष्टि बिल्कुल आपके इस चार्ट के ऊपर स्थिर रहेगी। और जैसे यहां पर बदलेगी आप, एक आया सीधा चलेगा, तब सीधा ऐसे आएंगे, फिर वापिस यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में आप चलेंगे, तब वापिस रिवर्स में आते हुए चलेंगे। अब पद लिखा नहीं है, अंक संख्या लिखी है, और आपको बरोबर सीधे उल्टे मन के अंदर पद बरोबर बोलना है, समझे। फिर वापिस अगर पद लिखेंगे उल्टे सुलटे क्रम से लिखेंगे, अब तब जाकर उसको उल्टे सुलटे शब्दों को पढ़ते हुए आपको करना है। दोनों तरीके बैठ जाएंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल सिंपल चलेगा सब, बहुत इजी हो जाएगा। बस डायरेक्शन बदलना है, इसलिए चेंज होते होते चलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप देखेंगे तो सब जगह पर एक ही है, नमो आयरियनम पद आया, नमो उवज्जयनम का पद आया, नमो लोए सब सवणम का पद आया, एक सरीखा चल रहा है। एसो पंच नमुक्कारो सब पापणा सर्व मंगलानं च सर्वे सिम परमं भवे मंगलम, एक सरीखे कंटिन्यू चल रहे हैं। तो वहां पर आपको ये जैसे ख्याल आ गया, वैसे ही ऐसे दोनों तरफ बिल्कुल वैसे समान रूप से चल रहे हैं। तो आप ये समझिए कैसी व्यवस्था है। अब यहाँ पर करते 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 हमारा कंसंट्रेशन कितना रहता है, फिर आप देखेंगे कि भाई एक राउंड किया, दूसरा राउंड करो, तीसरा राउंड करो, चौथा राउंड करो, 12 राउंड करने आपको। अब जिस तरह से 12 राउंड करते जाओगे करते जाओगे, 108 हो जाएंगे सब। यहाँ तो 9 राउंड है, तो 9 के अंदर तो 81 हुए हैं, 9 राउंड चले ना, तो 9 नवकार आपके हुए हैं, समझे कि। अब इसके अंदर नौ 18 हुए। अब इसके अंदर जिस तरह से आप चले हो, यहां पर तो इतने में घूमते घूमते आपके 9 ही 9 नवकार होने वाले, सीधे उल्टे क्रम से आप चलेंगे, बरोबर 9 नवकार होते जाएंगे।
अब आपको 12 राउंड करने हैं। अब राउंड करते जाएंगे तब आपको जो है 108 होंगे, लेकिन तरीका मेथड ये रहेगी कि आप बिल्कुल हाथ जोड़कर नमस्कार मुद्रा में सीधे शांत बैठे हैं, सामने देख रहे, बिल्कुल सीधे शांत बैठ करके सामने देख रहे, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी तरह से अच्छी तरह से हो जाएगा, शांति से और स्थिरता बनेगी। सब जब शांति रहेगी और स्थिरता बनेगी, क्योंकि सब योग बंद है, काय योग आसन में स्थिर कर दिया तो हिलना डुलना नहीं है, वचन योग की भाषा के शब्द हमने बरोबर स्थिर बौन कर दिया है, एक अक्षर का उच्चार नहीं करना है, जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, दांत हिलाने नहीं है, प्रोनाउंसिएशन आपको करना नहीं है, बिल्कुल ही नहीं करना है। अब सिर्फ आपका मन चलेगा अंदर से और दृष्टि यहां पर रख दिए। अब धीरे धीरे क्या करना है, एक सप्ताह की प्रैक्टिस के बाद आंखें भी बंद कर लेंगे तो आंखों के सामने चित्र तो तैयार है कि हाँ अब देखने की भी जरूरत नहीं है मुझे। अब माला तो हाथ में लेनी नहीं है, आपको माला लेके कुछ गिनना नहीं है, आपको बिल्कुल शांत स्थिर बैठ करके चलना, ये विशेषता है। बोलिए, इज देयर एनी डाउट और क्वेश्चन कुछ है? बोलिए मीना बहन जी, ट्राई टू योर बेस्ट टू डू द फर्स्ट राउंड। नमो हरियाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोए सव्व सावुनं, हे सोपंच नमोकारो सव्व पाव पणासनं, मंगलाणं च सव्वे सिंह, पद्मं भवै मंगलं, पद्मं भवै मंगलं। मंगलाणं च सव्वे सिंह, सव्व पाव पणासनो, एसो पंच नमोकारो, नमो लोए सव्व सावुणं, नमो उवज्जायाणं, नमो आयरियाणं, नमो सिद्धाणं, नमो अरिहंताणं। वेरी गुड। अब देखिए आपने किया, सेकंड में अपोजिट जब बोलना तब आपको डिफिकल्टी आई, समझे कि नहीं? अब यहाँ पर या तो लिखा रहे तो आप फटाफट पढ़ते जाओगे, फिर वो करिए, तो अंक संख्या लिखने से यू हैव टू रिमेम्बर इन योर माइंड व्हाट टाइप ऑफ द फिगर, तो ये फिगर आप देख करके कौन सा है कैसा है उसके लिए आप विचार ना करते रहे बस। अब फिर वापस सीधा है, फिर वापस अपोजिट है, फिर लेकिन डायरेक्शन यहाँ पर इसके ऊपर चक्र के ऊपर चल रही है, तो इसलिए आपको थोड़ी सी तकलीफ पड़ रही है, और कुछ नहीं है बस। हाँ, अब ये है कि इट मेक्स ऑलवेज द प्रैक्टिस, यू सी। अब आप कितनी प्रैक्टिस करके कितने आगे बढ़ सकते हो, दिस इज इम्पोर्टेंस। नमो हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोहे सव्वसावुणं, एषो पंच नमकारो सव्वपावपणासनं, मंगलाणं च सर्वे सिंबणं हवै मंगलं, मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूले भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलं, चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतोत्तमो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतोत्तमो लोकोत्तमा, चत्तारि शरणं भवज्जामि, अरिहंते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि, सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्मार्थं
जयनम जयति शास। धर्मला